आइए अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी 7 पढ़ते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द टू और मोर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसका कोई एक रो या कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है जो उसकी पहली रो है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं, जैसे ए प्लस अल्फा वन, बी प्लस अल्फा टू और सी प्लस अल्फा थ्री। सपोज करिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो रो वन के एलिमेंट हैं मैट्रिक्स ए के, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो सम ऑफ टू टर्म्स, दैट मींस ए और अल्फा वन दो टर्म्स हैं इसमें, तो ये दो टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। और मान लीजिए कि जो सेकेंड रो है वह है डी ई एफ जी एच आई, ये थर्ड रो है, तो ये ए एक मैट्रिक्स है जो 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो के एलिमेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं, दैट मीन्स ए प्लस अल्फा वन, डी प्लस अल्फा टू और सी प्लस अल्फा थ्री। ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट टू टर्म्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इज इट ओके? तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, आइए इसे पढ़ते हैं। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द टू और मोर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनका की ऑर्डर सेम है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री डी ई एफ जी एच आई। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि ये जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है उसे हम दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो पहला डिटरमिनेंट होगा वो होगा ए बी सी और बाकी के जो रोज होंगे वो सेम होंगे, दैट मीन्स डी ई एफ जी एच आई। प्लस जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा वो होगा अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, ये इसकी पहली रो होगी, और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज होंगे जो इस डिटरमिनेंट में थे, दैट मीन्स डी ई एफ जी एच आई। तो ये भी 3x3 की डिटरमिनेंट है और ये भी 3x3 की डिटरमिनेंट है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ सी, जहां पर बी क्या है, जहां पर बी है बी इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हूज एलिमेंट्स आर ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। सिमिलरली जो सी मैट्रिक्स है वो है अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री डी ई एफ एंड जी एच आई।
ओके, सो इफ अ मैट्रिक्स इज गिवन इन दिस फॉर्म यू कैन रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड द रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस.